हेलो फ्रेंड, वाइट लूप रोबोटेक में आपका स्वागत है। आज हम नोड एमसीयू के 6th सेशन में पीडब्ल्यूएम देखने वाले हैं, जिसमें हम पीडब्ल्यूएम का डेफिनेशन, यूज और प्रोग्रामिंग सीखेंगे और इसका एक प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई पल्स है जिसके विड्थ को हम कंट्रोल करेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम एनालॉग और डिजिटल में थोड़ा सा हम भेद जानेंगे, क्या अंतर होता है। जैसा कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल डिवाइस है जिसका दो स्टेट होते हैं, ऑन एंड ऑफ या 0 और 1। और एनालॉग की बात करें तो ये ऑन हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, हाफ और 1/3 भी हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं 0 और 1 के बीच में। तो ये एनालॉग और डिजिटल का अंतर हुआ। कभी कभी हमें एनालॉग को रीड करना होता है एज ए इनपुट सिग्नल, जैसे टेम्परेचर। तो माइक्रो कंट्रोलर को इसको रीड करने के लिए एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज होता है, जिसे हम अपनी भाषा में ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं। एनालॉग आउटपुट का रिक्वायरमेंट हो तो क्या करेंगे, जैसे एलईडी का ब्राइटनेस और मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ हम पीडब्ल्यूएम यूज करेंगे। पीडब्ल्यूएम एक ऐसा टेक्निक है जिसे हम एनालॉग डिवाइस को डिजिटल आउटपुट के द्वारा कंट्रोल करते हैं। और हम देखते हैं कि पीडब्ल्यूएम एनालॉग से कैसे कैलिब्रेट होता है। पीडब्ल्यूएम एक निश्चित फ्रिक्वेंसी का पल्स होता है जिसके विड्थ को कंट्रोल करके हम एनालॉग आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे पीडब्ल्यूएम का वैल्यू 0 to 255 तक होता है। अगर हम डिजिटल राइट 0 लिखते हैं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट होता है, और अगर हम डिजिटल राइट 255 करते हैं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 5 होता है। ये इस पे डिसाइड होता है कि ड्यूटी साइकिल कितना है। ड्यूटी साइकिल का फार्मूला होता है ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो टाइम, इंटू 100। तो ऑन टाइम यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारा पल्स ऑन हुआ ही नहीं तो 0 हो गया, तो इसलिए हमारा ड्यूटी साइकिल 0 हुआ। और एनालॉग राइट को हम 0 करेंगे, इसका आउटपुट वोल्टेज 0 आएगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर हम डिजिटल राइट 0 करते हैं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 आता है, और डिजिटल राइट 255 करते हैं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट आता है। जब आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट आएगा और डिजिटल राइट 255 करते हैं तो उस टाइम ड्यूटी साइकिल 100% होता है। जब डिजिटल राइट 0 करते हैं तो ड्यूटी साइकिल 0 होता है और हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 होता है। जब डिजिटल राइट 127 करते हैं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 2.5 वोल्ट होता है, मतलब टोटल का हाफ। हमारा मैक्सिमम होता है 5 वोल्टेज, तो 50% ड्यूटी साइकिल में हमारा आउटपुट वोल्टेज 2.5 वोल्टेज होगा। और 50% के केस में हम देखते हैं कि ऑन टाइम और ऑफ टाइम, पल्स का जो एक पल्स का ऑन टाइम और ऑफ टाइम बराबर बराबर है, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज इसका एवरेज करेंगे तो ये 0.5 का 2.5 आएगा। तो इस तरीके से हमारा पीडब्ल्यूएम का आउटपुट होता है। अब हम कोडिंग सीखेंगे, उसके पहले हम सर्किट बनाएंगे। फ्रिजिंग ओपन करते हैं। ये ब्रेडबोर्ड डिलीट करेंगे और दूसरा ब्रेडबोर्ड छोटा वाला लेंगे। और यहाँ पे नोड एमसीयू सर्च करेंगे।
और हम एक एलईडी लेंगे। यहाँ पे हम एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे पीडब्ल्यूएम के थ्रू। नोड एमसीयू के केस में सारा डिजिटल पिन पीडब्ल्यूएम पिन होता है, तो यहाँ पे मैं डी थ्री पिन यूज करूँगा। और कैथोड को मैं ग्राउंड से कनेक्ट करूँगा। यह हमारा सर्किट तैयार हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे। इस सर्किट के अकॉर्डिंग आर्डिनो ओपन किया। जिस डिजिटल पिन से एलईडी कनेक्ट है उस पिन को पहले हम डिफाइन करेंगे। हैज डिफाइन उसका नाम एलईडी रखते हैं और डिजिटल पिन था D3। और हम पिन पिन मोड इनिशियलाइज करेंगे। पिन मोड एलईडी इसको आउटपुट करेंगे। हम यहाँ पे एनालॉग राइट लिखेंगे। अगर यहाँ पे मैं 255 लिखता हूँ तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्टेज होगा और हमारा एलईडी फुल ब्राइटनेस में ग्लो करेगा। और यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 होगा और एलईडी ऑफ रहेगा, ग्लो नहीं करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा एलईडी ग्रेजुअली उसका ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाए फुल ब्राइटनेस पे, फिर उसका ब्राइटनेस ग्रेजुअली डिक्रीज करे। तो ये मतलब यहाँ पे 0 से 255 तक इंक्रीज करेगा, फिर 255 से यहाँ पे 0 करेगा। उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर आई कमा आई इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 255 प्लस प्लस। यहाँ पे मैं आई करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिले दे देता हूँ ताकि हमें पता चले, 10 मिलीसेकंड का डिले देता हूँ। इस केस में क्या होगा, हम यहाँ पे आई को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है तो पहले ये 0 राइट होगा, फिर 10 मिली सेकेंड का डिले होगा, मतलब वहाँ पे पॉज होगा, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर डिजिटल राइट 1 होगा, फिर 10 मिली सेकेंड के लिए पॉज होगा, फिर कर्सर यहाँ पे आएगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगा। ऐसे कर करके ये 255 तक होगा, मतलब हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 टू 5 वोल्टेज तक इंक्रीज करेगा। जब हमारा वोल्टेज 0 टू 5 वोल्टेज जब इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू 255 हो जाएगा, तो फिर हम इसको डिक्रीज करेंगे। उसके लिए एक और फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ का आई 0 करेंगे, क्योंकि जब हमारा कर्सर फॉर लूप के बाहर आएगा तब तक आई का वैल्यू 255 तक रहेगा, फिर ये 255 से 0 तक होगा।
यहाँ पे आई को माइनस लिख देंगे। ये हमारा कोड बनकर तैयार हो गया है, इसको अब हम कंपाइल करेंगे। गुड, हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ये ग्रेजुअली इसका इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को PWM समझ में आया होगा, और PWM की प्रोग्रामिंग भी समझ में आया होगा, और PWM का यूज भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद।